हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस बेहतरीन ट्यूटोरियल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में मैं आपको कम्प्लीटली एक्सप्लेन करूंगा कि आप किस तरीके से अपने स्कूल के लिए या कॉलेज के लिए बुक शॉप मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट बना सकते हो पाइथन और माई एसक्यूएल या फिर एसक्यूएल का इस्तेमाल करके। ओके, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स लगेंगी, किस तरीके से प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट होती है, पूरी कोडिंग सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। फाइल जो आप बनाते हो, फाइल कैसे बनानी है, फाइल के अंदर क्या क्या कंटेंट रखना है, सारी चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूं। तो स्टूडेंट्स, मेक श्योर कि आप इस वीडियो को कम्प्लीटली ज़रूर देखिएगा। थोड़ी सी वीडियो है, आपको बहुत सारी नॉलेज होगी, बिकॉज इस वीडियो में आपको वो समझ में आ जाएगा प्रोजेक्ट कैसे बनेगा और आप अपने वाइवा में भी कम्प्लीट मार्क्स स्कोर करोगे। ओके, सो मेक श्योर कि स्टूडेंट्स कि आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देखें और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, और इसके साथ ही साथ यह वीडियो डिस्ट्रीब्यूट हो उन सभी स्टूडेंट्स के साथ जिनको ज़रूरत है, ठीक है, प्रोजेक्ट मेकिंग सीखने की। तो सब्सक्राइब कर दो, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दो, क्योंकि मैं डेली आपके लिए लेकर आता हूँ ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियोज। तो हाउ टू मेक पाइथन एसक्यूएल प्रोजेक्ट, और आज का जो प्रोजेक्ट है वो है बुक शॉप मैनेजमेंट सिस्टम। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो स्टूडेंट्स आपको होनी चाहिए पाइथन और एसक्यूएल की नॉलेज, राइट। पाइथन और एसक्यूएल, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और जो एसक्यूएल है वो डेटाबेस की लैंग्वेज है। ओके, सो इन दोनों की आपको नॉलेज होगी, बिकॉज पाइथन में आप कोडिंग करोगे और एसक्यूएल के अंदर आप अपना डेटा जो है वो रखोगे। सो इन दोनों को ही कनेक्ट करना पड़ता है हम जब भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो इन दोनों की नॉलेज होनी चाहिए। अब बात ये आती है कि आप पाइथन और एसक्यूएल कैसे सीखेंगे, तो आपको सिंपली सर्च करना है, अगर आप क्लास 11th में हो या फिर आप क्लास 12th में हो तो आप सिंपली सर्च कर लो पाइथन क्लास 12th टॉपर जी, यूट्यूब पर आपको सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, यहाँ पर आप देख पा रहे हो। ओके, और हमारे चैनल की जो एक मैंने बहुत ही बेहतरीन वीडियो डाली हुई है पाइथन क्लास 12th का पूरा कोर्स 5 आवर्स में मैंने एक्सप्लेन किया है पाइथन और एसक्यूएल, जैसे कि ये आप थंबनेल दिख रहा है, सारे चैप्टर्स इसके अंदर एक्सप्लेन है, 5 आवर्स के अंदर आप अपना पूरा कोर्स रिवाइज कर सकते हो। तो है ना, ये बहुत ही बेहतरीन वीडियो। तो आपको पाइथन और एसक्यूएल सीखते हैं तो इस वीडियो के जरिए आप अपना सीख सकते हो, राइट। सर्च क्या करना है यूट्यूब पर पाइथन क्लास 12 और चैनल का नेम है हमारा टॉपर जी। ओके, सो ये रिक्वायरमेंट आप अपनी कंप्लीट कर लोगे। ओके, सो ये रिक्वायरमेंट आपकी कंप्लीट हो गई, आपको पाइथन और एसक्यूएल समझ में आ गया। सेकेंड जो चीज़ है वो ये है कि आपको पाइथन आइडियली और एसक्यूएल सर्वर, ये दोनों ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं अपने कंप्यूटर में। कैसे इंस्टॉल्ड होते हैं और कहाँ से मिलेंगे आपको ये सॉफ्टवेयर, तो उसके लिंक्स मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। स्टेप बाय स्टेप बताया है कि ये सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल होते हैं, बहुत ही बेसिक सा तरीका है, आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप हमारे चैनल पर विजिट करो, पाइथन प्रोजेक्ट्स वाली प्लेलिस्ट है जिसके अंदर आपको कई सारे प्रोजेक्ट्स भी मिल जाएंगे और वीडियो भी मिल जाएगी कि पाइथन आइडियली और एसक्यूएल सर्वर कैसे इंस्टॉल होता है कंप्यूटर में। अब अक्सर कई स्टूडेंट को ये क्वेरी आती है कि उनके पास कंप्यूटर नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट्स, अगर आपके पास देखो कंप्यूटर नहीं है तो या तो आप अपने किसी फ्रेंड से ले सकते हो या फिर साइबर कैफे पर आप विजिट करो, ठीक है, मोबाइल फोन पर आप मेरी वीडियो देख लो, ठीक है, उसके बाद साइबर कैफे पर विजिट करो, 1 या 2 आवर्स में आपका प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा बनके। ओके, सो या फिर आप अपनी स्कूल की कंप्यूटर लैब में प्रिपेयर कर सकते हो, तो प्रिपेयर करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप चाहते हो बना बनाया प्रोजेक्ट आपको मिल जाए तो वो भी आपको मिल सकता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा। ओके, सो 3 जो जरूरत है वो आपकी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट जो है, अब देखो, अब आपने एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल कर लिया होगा, सो इंस्टॉल करने के बाद एसक्यूएल सर्वर देखो ऐसा होता है कुछ, है ना, पासवर्ड सेट करना पड़ता है जब इंस्टॉल करते हैं, तो वो सब आप क्रिएट कर लोगे, ठीक है, जो जैसा कि मैंने अपनी इंस्टॉलेशन वाली वीडियो में समझाया। अब यहाँ पर आपको बनाने होते हैं डेटाबेस और टेबल, बिकॉज जो डेटाबेस होगा उसी के अंदर आप अपने प्रोजेक्ट का डेटा स्टोर कर पाओगे। देखो यहाँ पर बुकशॉप मैनेजमेंट सिस्टम ये प्रोजेक्ट है, तो इसके लिए कई सारी यूजेस आप करोगे, ठीक है, जो भी आपकी प्रोजेक्ट की यूजेस होंगी। सपोज आपकी कोई बुकशॉप है तो उसमें अलग अलग फंक्शंस होते होंगे आपकी बुकशॉप में, जैसे कि एड बुक करना, सेल बुक करना, तो अलग अलग जितने भी सेल करने के लिए आएंगे जितने भी, ठीक है, कस्टमर्स, उन सबका डेटा आप कहाँ पर स्टोर रखोगे, तो वो आप स्टोर रखोगे MySQL सर्वर में, ठीक है, तो उसके लिए आप डेटाबेस और टेबल क्रिएट कर लोगे। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, सर इसकी कोडिंग कहाँ है, तो कोडिंग भी मैं आपको दिखाऊंगा, और हालांकि मैंने बुकशॉप मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर पूरा जो प्रोजेक्ट है
कोडिंग कोडिंग का पूरा एक्सप्लेन करा हुआ है। चैनल पर विजिट करो, पाइथन प्रोजेक्ट्स वाली प्लेलिस्ट में, वहां पर आपको मिल जाएगा बुकशॉप मैनेजमेंट सिस्टम, पूरी कोडिंग एक्सप्लेन है। राइट, यहां पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बता रहा हूँ, फाइल कैसे बनाते हैं वो भी मैं प्रोसीजर दिखाऊंगा आपको। राइट, तो डेटाबेस और टेबल आप बनाओगे, फंक्शंस आपको बनाने होंगे। अब देखो, फंक्शंस से मेरा मतलब ये है कि देखो जितने यूजेस होंगे आपके बुकशॉप मैनेजमेंट सिस्टम में। देखो, आप सबसे पहले ये डिसाइड करो कि जो आपका मैनेजमेंट सिस्टम होगा उसमें क्या क्या यूजेस होंगे, उसके अकॉर्डिंग हर एक यूज के अलग अलग पाइथन के फंक्शंस बनते हैं। राइट, सो पाइथन के फंक्शंस आप कोड करके बनाओगे। सबसे पहले डिसाइड करो कौन कौन से यूजेस होंगे, जैसे कि आपने अपनी बुक शॉप के लिए न्यू बुक परचेज करी ताकि आप कस्टमर्स को सेल कर सको, तो एड बुक। ऐसे ही सेल बुक, अगर कोई कस्टमर खरीदने आया तो उसका डेटा सेल बुक वाली टेबल में जाएगा। एड बिल, एड वर्कर, ठीक है। इस तरीके से आपका यूजेस यहाँ पे तैयार हो गए, और इन यूजेस के अकॉर्डिंग आप अपना जो है वो कोड तैयार करोगे, ठीक है स्टूडेंट्स, फंक्शंस का कोड। राइट, अब जैसे कि डिस्प्ले बुक्स, यानी कि कितनी बुक्स आपने अपने जो कैटलॉग है बुक शॉप है उसमें ऐड कर रखी हैं वो सब देखना है आपको, या फिर डिस्प्ले पेमेंट्स यानी कि कितनी आपने सेलिंग करी है उन सब का डिटेल्स, क्या क्या बिल्स हैं आपके, जैसे कि बिल्स होते हैं ना अलग अलग, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया या सैलरी हो गया, अलग अलग बिल्स होते हैं। राइट, या फिर आपकी शॉप पर जो लोग वर्क करते हैं उन सब की डिटेल्स। राइट, सो इस तरीके से कुछ ये 8 फंक्शनैलिटीज हैं, यूजेस हैं जो कि मैंने अपने मैनेजमेंट सिस्टम में डाली हैं। आप जितनी चाहे फंक्शनैलिटीज डाल सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना कोड करना चाहते हैं। राइट, तो यहां पर देखो जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल कर चुके हैं आप, और एक चीज और, पाइथन और एसक्यूएल सर्वर को कनेक्ट करना पड़ता है। राइट, जो मेन कोडिंग रहती है आपकी वो रहती है आपकी पाइथन के अंदर ही, ठीक है, यहीं से आप अपने एसक्यूएल सर्वर इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो ये पूरी जो चीज है पूरा कोड है आपको दिखा दूंगा इसी ट्यूटोरियल में, और अगर आप लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझना चाहते हैं कोडिंग का तो वो आपको मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? वो मिलेगा आपको पाइथन प्रोजेक्ट वाली प्लेलिस्ट में, जरूर एक्सेस कर लेना, बुकशॉप मैनेजमेंट सिस्टम, हालांकि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। ओके, माई एसक्यूएल कनेक्टर भी आपको जो है वो इंस्टॉल करना पड़ता है। राइट, और उसके बाद बुकशॉप मैनेजमेंट सिस्टम आपका तैयार है, बिकॉज आपने फंक्शंस तैयार कर लिए, यूजेस तैयार कर लिए, कनेक्ट कर लिया, और आपको पाइथन आती है, तो ये आपका तैयार हो गया कोड। मैं कोड दिखा देता हूँ, इसके बाद मैं आपको फाइल दिखाऊंगा कि फाइल कैसे बनाते हैं, ठीक है, जो आप सबमिट करोगे। तो चलिए कोड में आपको यहां पर दिखा देता हूं एक बार। जैसे कि यहां पर देखो, एसक्यूएल माई एसक्यूएल कनेक्टर मैंने इंपोर्ट कर रखा है, यूजर से डेटाबेस का पासवर्ड लिया, यहां पर मैंने डेटाबेस क्रिएट कराया है। राइट, यहां पर यूजर से मैं साइन इन के लिए बोल रहा हूँ, यहां पर अलग अलग जो फंक्शंस हैं ठीक है उनके लिए मैं चूज करने के लिए बोल रहा हूँ यूजर से। ये अलग अलग फंक्शंस हैं, हर एक जो यूज है उसके लिए अलग अलग फंक्शन है। सेल बुक, ये यहाँ पर एड बुक, एड वर्कर, डिस्प्ले बुक, डिस्प्ले पेमेंट्स, ठीक है, डिस्प्ले बिल्स, डिस्प्ले वर्कर। राइट, ये पूरा कोड है यहाँ पर बुकशॉप मैनेजमेंट सिस्टम का। अब जैसा कि मैंने बोला, आप कितने भी यूजेस डाल सकते हैं, आप जितने यूजेस डालेंगे उसके अकॉर्डिंग ध्यान रखना कि उतनी जो टेबल्स है उसके अकॉर्डिंग आप टेबल्स क्रिएट करिएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स आपको इतना? ओके, जैसे कि यहाँ पर वर्कर की जो डिटेल्स हैं वो क्या क्या है, नेम, वर्क, सैलरी, ठीक है। अब यहाँ पर आप और भी कॉलम्स डाल सकते हैं टेबल के अंदर, जैसे कि आप यहाँ पर आधार कार्ड ले सकते हैं अपने वर्कर का, बैंक अकाउंट नंबर ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने कॉलम्स डाल रहे हैं अपनी टेबल के अंदर। क्लियर है स्टूडेंट? सो ये है बहुत ही आसान तरीका किस तरीके से आप अपना जो है वो बना सकते हैं बुकशॉप मैनेजमेंट सिस्टम। चलिए अब फाइल के ऊपर आते हैं। तो देखो, यहाँ पर एमएस वर्ड की नॉलेज होनी चाहिए आपको। अब यहाँ पर देखो, मैंने कुछ इस तरीके से डिजाइन करा हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंग डिजाइनिंग कर सकते हो, क्या क्या चीजें होती हैं फाइल में जो इंपॉर्टेंट है देख लो। सर्टिफिकेट, एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रोजेक्ट मेकिंग, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स, कंप्लीट कोडिंग और प्रोजेक्ट की आउटपुट स्क्रीन, ये तो रिक्वायरमेंट होती होती है कोई भी फाइल की, और ज्यादा से ज्यादा 14 पेजेस है, आराम से आप इनको ले सकते हो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक्स के जरिए और प्रिंट कर सकते हो। राइट, एमएस वर्ड की आपको फाइल मिलेगी जिसमें आप अपनी डिटेल्स डाल सकते हो। तो देखो यहां पर ये इस तरीके से है, इसको आप मॉडिफाई कर लो। राइट, अब यहां पर जैसे कि आप अपना नेम लिखोगे, क्लास और सेक्शन और रोल नंबर भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, टीचर का नेम, कई जो होते हैं वो प्रिंसिपल का नेम भी ऐड करते हैं, यहाँ पर डेट। राइट, एक्नॉलेजमेंट, यहां पर आप अपनी डिटेल्स डाल सकते हो। राइट, अपने स्कूल का नेम यहाँ पर लिख सकते हो, आपको अलग तरीके से यहाँ पर मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई कर लो, एमएस वर्ड है ये तो सभी को आता होगा।
क्लियर है। इसके बाद एक्नॉलेजमेंट हो गया आपका। एक्नॉलेजमेंट के बाद हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स की, कंप्यूटर की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या सॉफ्टवेयर चाहिए, तो वो सारी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन कर रखी हैं, ठीक है। और यहाँ पर पूरी कोडिंग आप अपना लिख दो, कोडिंग ऑफ बुकशॉप मैनेजमेंट सिस्टम, क्लियर। अब इसके बाद देखो नीचे आते हैं, आउटपुट स्क्रीन यहाँ पर चाहिए होगा, तो जितने भी यूजेस हैं उन सबके आउटपुट स्क्रीन डाल दो। हालांकि मैंने 6 यूजेस के लिए करा हुआ है, 6 नहीं 5 है, ठीक है। तो जितने यूजेस हैं 8 यूजेस हैं, तो 8 यूजेस के आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट डाल सकते हो, क्लियर। ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 5 की रिक्वायरमेंट होती है, पर आप सभी के डाल सकते हो, आपकी प्रोजेक्ट फाइल और अच्छी बनेगी। जो स्टूडेंट्स मेरे साथ कनेक्ट होते हैं, मैं उनको उनके अकॉर्डिंग जो है वो फाइल बनाकर देता हूँ, जैसे उनकी रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई। अब इसके बाद आप जैसे कि, अच्छा ये नीचे डले हुए हैं, ये अलग उनके ऊपर डले हुए हैं। ओके ओके, चेकिंग पेमेंट्स यहां पर मैं कर देता हूं, पेमेंट्स या फिर डिस्प्ले पेमेंट्स और यहां पर बिल्स, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग लिखिएगा, मैंने यहां पर आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है सारी चीजें, क्लियर। और इन यहाँ पर आप अपने जो जो यूजेस हैं उनके स्क्रीनशॉट लेकर डालोगे। कैसे डालोगे, सिंपल ये कोड है, कोड को एग्जीक्यूट करा, सिंपल पासवर्ड है डेटाबेस का 1 2 3 4 5 और ABS 111, ठीक है। जैसे ये लॉगिन का है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, राइट, का स्क्रीनशॉट ले लो, यहां से कॉपी कर लो और सिंपली अपना इधर डाल दो, क्लियर। तो हर एक यूज का, जैसे एड बुक करना है तो एड बुक की फंक्शनैलिटी इस्तेमाल करो और उसका स्क्रीनशॉट लेकर डाल दो, राइट। जैसे कि एड बुक, अब यहाँ पर बुक की डिटेल्स डाल दोगे आप, राइट। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली चीज ये है, जब भी आप यूजेस इस्तेमाल कर रहे हो अपने प्रोजेक्ट की, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से जो यूज है उसके अंदर क्या क्या डिटेल्स डालने हैं। जैसे कि एड बुक की अगर हम बात करें, तो एड बुक में कौन सा फंक्शन है, ये वाला एड बुक, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं देख लो, नेम, ऑथर, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, डेट। बुक आप ऐड कर रहे हो अपने कैटलॉग में, राइट। तो जो टेबल है उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी डिटेल डालोगे, क्योंकि जो भी डिटेल डालोगे वो इस टेबल के अंदर जाएगी, क्लियर। सो इस तरीके से आप अपना प्रोजेक्ट बना सकते हो। एक और बार मैं अपनी पूरी कोडिंग दिखा देता हूँ, जैसे कि ये रहा, ये है यहाँ पर जो पाइथन और एसक्यूएल को कनेक्ट करा है, और इन लाइनों में मैंने डेटाबेस को क्रिएट करा है, टेबल्स को क्रिएट करा है। इसके बाद लॉगिन करने के लिए बोल रहा हूँ मैं यूजर से, एंड इसके बाद यहाँ पर ये सभी ऑप्शंस हैं, राइट। ये यहाँ से एड बिल तक हो गया, फिर एड बिल से यहाँ तक ये हो गया, क्लियर। फिर ये अलग अलग फंक्शंस हैं आपके, सेल बुक, एड बिल, एड वर्कर, बुक, डिस्प्ले पेमेंट्स, डिस्प्ले बिल्स, डिस्प्ले वर्कर्स, राइट। सो ये जो है पूरी कोडिंग है। और एक चीज और मैं बताऊं आपको खास प्रोजेक्ट के बारे में, देखो जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके अंदर आपकी पाइथन और एसक्यूएल लगभग एक तरीके से पूरा जो आपका सिलेबस होता है ना वो इस्तेमाल होता है, पूरा जो आपका सिलेबस होता है वो इस्तेमाल हो जाता है। देखो पाइथन प्रोजेक्ट टॉपर जी सर्च कर लेना, डायरेक्ट पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी सामने आपके, इसके अंदर कई सारे प्रोजेक्ट की कोडिंग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन्ड है ना। अब ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके अंदर पूरा सिलेबस इस्तेमाल होता है, तो उसका बेनिफिट ये है कि एक ही बार में आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाता है, आधे घंटे की प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन की वीडियो के अंदर, है ना, कितना बेनिफिशियल। तो मेक श्योर स्टूडेंट्स की आप अपना जो है पाइथन और एसक्यूएल सीखने के बाद आपको रिवाइज करना है, प्रोजेक्ट्स देखना है, ताकि आपको लर्निंग समझ में आए अच्छे तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, और एक प्रॉमिस और मैं चाहूंगा आपसे, आप अपने सभी क्लासमेट्स के साथ शेयर जरूर करिएगा इस वीडियो को, ताकि उन सभी का बेनिफिट हो, उन सभी को लर्निंग करने के लिए मिले। ओके, और मेक श्योर स्टूडेंट्स की आप जरूर जो है शेयर करेंगे, बिकॉज आप जितना शेयर करेंगे उतना ही इंडिया में सभी स्टूडेंट्स के पास लर्निंग पहुंचेगी, और इंडिया में सीबीएसई के स्टूडेंट्स एक्सेल करेंगे। ओके, जैसे कि आप जानते हो जो पाइथन है वो वर्ल्ड की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, नंबर 1 पर है, ठीक है, वर्ल्ड की नंबर 1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक स्टूडेंट को सीखना। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स इसी के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलेंगे एक और न्यू अमेजिंग प्रोजेक्ट मेकिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।